सूत्र इसमें सही लिखा बची ने या गलत लिखा ही बताओ। सही ठीक है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात होगी। मैंने क्या कहा था, हानि अपन को निकालनी है। हानि का मतलब क्या हुआ, खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा है, बेचा हुआ मूल्य कम है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लिखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा था, संचय चल रहा था कि मैं विक्रय मूल्य लिखूं। हेलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हेलो, चल रहा था, ठीक है। इसलिए मैं पूछ रहा था बार बार कि सही है क्या। लाभ या हानि हमेशा कौन से मूल्य पर, हमेशा लाभ और हानि हमेशा खरीदे हुए मूल्य पर ही निकाली जाएगी। और जो प्रतिशत और लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि है, वो हमेशा इस पर निकलेगी। सही हूँ मैं, गलत? ये बच्चों को कंसेप्ट सिखाओ यार, ठीक है। अभी ये बिल्कुल एक